जादुई बैंगन। एक गांव में शारदा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत गरीब परिवार से थी, इससे वो हर रोज पास के जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करके लाती थी और उन्हें बेचकर कमाए हुए पैसों से उनका परिवार चलता था। एक बार जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही शारदा को एक पेड़ पे उगी हुई बैंगन दिखी। उसे देखते ही वह बहुत चौंक गई, क्योंकि वह बैंगन साधारण नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा था। उस एक बैंगन से ही पूरे परिवार को पर्याप्त सब्जी पका सकते हैं। करके तुरंत उस बैंगन को पेड़ से अलग करके अपने साथ ले गई। घर पहुंचते ही तेजी से उस बैंगन की सब्जी पकाकर खाने के लिए बस उसे काटने ही वाली थी। तब वह बैंगन शारदा से बोली, मुझे मत काटो, मैं जादुई बैंगन हूँ। मैं 3 बार तुम्हारे मांगे हुई आरह की इच्छा को पूर्ण कर सकती हूँ, मुझे छोड़ दो। बैंगन के ऐसे बोलने पर उसे बहुत अजीब लगा। बैंगन के बातों का सच जानने के लिए ये पहले, मुझे तो सोना बहुत पसंद है, मुझे सोने के आभूषण चाहिए, बोलकर इच्छा मांगी। तुरंत उसके इच्छा के अनुसार वह जादुई बैंगन ने बहुत सारे सोने के आभूषण दिए। उन्हें देख शारदा खुशी से उछल पड़ी और कहा, इतने दिन मेरे गरीब होने पर मुझसे शादी करने कोई नहीं आया, अब मुझे एक अच्छे से पति चाहिए, बोलकर पूछी। शारदा के इच्छा के अनुसार ही वह बैंगन तुरंत ही अच्छे लड़के को देखकर उसकी शादी करवा दी। उनकी जोड़ी को देख जादुई बैंगन भी बहुत खुश थी। फिर से एक दिन बैंगन ने शारदा से कहा, तुम्हें जरूरी क्या चाहिए, पूछो, मैं और एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तब उसने कहा, मुझे एक बड़ी बंगला दे दो और कुछ भी नहीं मांगूंगी। ठीक है, तुम्हें बंगला चाहिए, बस इतना ही ना, ले लो, करके बोलते हुए एक बड़ी सी बंगला भी दे दी। उस बड़ी सी बंगले में उस दिन पूरा शारदा, उसके पति और बैंगन मिलकर बहुत खुशी से रहे। अगले दिन शारदा के पति को बैंगन की सब्जी खाने की इच्छा जागी। उसे उस बैंगन को काट कर पकाने को कहा। पति की इच्छा को पूरा करने के लिए शारदा एक क्षण भी ना सोचते हुए बैंगन को काटने जा रही थी। इससे जादुई बैंगन ने बहुत गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैंने इतनी सारी भलाइयां की, मुझे मत काटो, छोड़ दो। तब वह हंसकर बोली, तुम्हारे सारे जादू खत्म हो गए, अब तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, अब तुमसे मेरा क्या काम, बैंगन बैंगन ही रहेगा और इंसान इंसान, इंसान का बैंगन से कैसा वास्ता, बोलकर झट से बैंगन को काट दिया। बेचारी बैंगन पीड़ा में रोने लगी। इस कहानी की नीति है कि हर किसी के अपने अपने जीवन होते हैं। एक मुर्गी और 2 काम वाले की कहानी। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उनके पास फूल और सुब्बू नाम के 2 काम वाले रहते थे। जमींदार बहुत ही अनुशासन और नियमों का पालन करने वाला था। सुबह ही नींद से जाग जाता था और उनके साथ ही फूल और सुब्बू को नींद से जगाकर काम करवाता था। गायों से दूध निकालवाना, घर साफ करवाना, बाजार से सामान मंगवाना, खेत के काम जैसे सारे पास ही रहकर जमींदार करवाता था। आलसी फूल और सुब्बू को सुबह ही उठ के काम करना पसंद नहीं था। इतने बड़े बंगले में आराम से खाट पर सोने के बजाय उन्हें क्यों ये तकलीफ लेना, करके फूल जमींदार पर दया दिखाता है। तो पर हमारे मालिक उतनी सुबह कैसे जाग जाते होंगे, बोलकर सुब्बू ने अपनी संदेह व्यक्त किया। उस दिन से ही उन दोनों काम वाले ने उस विषय पर ध्यान दिया। थोड़े दिन देखने के बाद उनके पास एक मुर्गी सुबह ही चिल्लाने से जमींदार सुबह ही उठकर उन्हें भी उठाकर काम करवाते हैं करके जान लिए। इससे उनके पास के मुर्गी को छुपा के ले जाकर बाजू के गांव में छोड़ आए।
अगले दिन मुर्गी के चीख ना सुनने पर जमींदार देर से उठा। उस दिन फूल और सुब्बू शाम तक खर्राटे मारते हुए सो गए। उस मुर्गी के ना दिखने से हमारे मालिक नहीं उठे और हमें भी नहीं उठाए। अब आराम है रे, बोल के कहा फूल। हाँ हाँ, अच्छे से कितनी भी देर सो सकते हैं, बोलकर खुश हुआ सुब्बू। लेकिन उसके ऐसे जगने के कारण उसके सारे काम देर से हो रहे हैं और खेती के लिए देर हो रहा है करके परेशान होने वाला जमींदार अगले दिन से जल्दी उठाने का निर्णय लिया। जल्दी उठने की आशा से अगले दिन आधी रात को ही उठ गया और सुबह हो गई। सोचकर काम वालों को उठा के खेत के काम में भेज दिया। तब से जब कभी भी उसकी नींद छूटती तभी फूल और सुब्बू को नींद से उठा के काम पे भेज देता। ना सोचने वाली इस घटना से वे दोनों थक गए और वे दोनों रात में नींद ही पूरी नहीं कर पा रहे थे। मालिक को ना कुछ बोल पाते हुए फूल और सुब्बू, मुर्गे के होने पर हर रोज एक ही वक्त पे जागते थे ना रे। हाँ रे, अभी तो और धोखा खा गए, बोलते हुए और उदास होकर दोनों ने अपनी गलती जान ली और तुरंत बाजू के गांव में जाकर उस मुर्गी को ढूंढ के पकड़ लाए। फिर से हमेशा की तरह बिना किसी को दिखे मालिक के घर में छोड़ दिया। उसके बाद से अपनी आलस छोड़ मुर्गी की आवाज के तुरंत जमींदार से पहले ही नींद से उठकर सारे काम खुशी से करना शुरू कर दिया। वह देख मालिक उनकी तारीफ करके उनकी पगार भी दुगनी कर दी। इस कहानी की शिक्षा है कि हमें आलस छोड़कर काम करने पर ही लाभ मिलता है। पालतू बिल्ली। धर्मपुर नामक गांव में राम नाम का सौदागर रहता था। वह उस प्रांत की रुई खरीद कर अच्छा दाम आने पर बेचता था। राम सबसे हंसते हुए कुल मिल जाता था। ऊपर से उसकी बहुत अच्छी सोच भी थी। ऐसे रुई के व्यापार में बहुत कुछ कमाया। राम के चार बेटे थे, उसकी एक बिल्ली भी थी। वह बिल्ली चूहों का शिकार करके रुई को बचाती थी। बढ़ती उम्र से एक बार राम की सेहत बिगड़ के वो पलंग पर ही रह गया। उसके पास और कुछ ही दिन है करके उसे पता चल गया। इससे राम ने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, बेटो हमारी संपत्ति और रुई के दुकान का ध्यान रखो, अपनी बुद्धि से काम लेना और मिलजुल कर आराम से रहो। इतने में उसकी पालतू बिल्ली उसके पलंग के पास आई। ये बिल्ली बहुत पहले से ही हमारे रुई को चूहों से बचा रही है। इस बिल्ली को चारों भाई बांट लेना। इसके आगे के दो पैरों को दो बड़े भाई और पीछे के दो पैरों को दो छोटे भाई बांट लो। ऐसे पूरे संपत्ति का बंटवारा करके कुछ ही दिनों में ही राम गुजर गया। पिता के बोलने के मुताबिक ही बिल्ली के चार पैरों को चारों भाई बांटे। बड़ा, दूसरा, तीसरा, उन तीनों को थोड़ी कमाई होने पर सोने के कड़े बनवाए और चौथा मुसीबत में होने पर चांदी की कड़ी बनवाया और उनके हिस्सों में आई हुई बिल्ली के पैरों में उन्हें पहना दिया और प्यार से बिल्ली को पालने लगे। इसी तरह चलते चौथे के हिस्से के बिल्ली के पैर को छोटी सी चोट लगी और चिकित्सक के कहने पर तेल में एक कपड़ा भिगा कर बिल्ली के पैरों में बांधा। इससे अब वो बिल्ली लंगड़ाती हुई चल रही थी। एक दिन आधी रात को बिल्ली चलते हुए दिए पर गिरी। पैर के तेल के कपड़े को दिए का आग लगा और वो बिल्ली डर के चिल्लाते हुए रुई के रखे हुए कमरे में गई। बिल्ली के पैरों की आग पूरे रुई में फैल गई और कुछ ही देर में कमरे का पूरा रुई जलकर राख बन गया। तीनों बड़ों को छोटे पे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारे हिस्से की बिल्ली के पैर के कपड़े से ही पूरा रुई जल गया और हमारा पूरा व्यापार नष्ट हो गया, बोला बड़ा भाई। फिर छोटे ने बोला, इस नष्ट का तो ही कारण है, तो अब इसका भरपाई भी तू ही कर। तीसरे ने कहा, तुरंत हमें हमारे पैसे नहीं दिए तो न जाने हम क्या कर बैठेंगे।
उसके तीनों बड़े भाई उससे लड़ाई करने पर क्या करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर में इस लड़ाई को सुलझाने के लिए चारों भाई रामन्ना के पास आए। उन्होंने चारों के बातों को सुनने पर तीनों बड़े भाइयों की लड़ाई उन्हें गलत लगी। उनकी गलती का एहसास कराने के लिए रमन्ना ने ऐसा कहा, बिल्ली रूही के कपड़े में लंगड़े पैर के अलावा बाकी तीन पैरों से ही चल कर गई। इससे तुम लोगों के हिस्से के पैरों से ही उस आग का दुर्घटना घटी, इसीलिए तुम तीनों को चोटे का ही भरपाई करना होगा। बोलकर रमन्ना ने इंसाफ किया। उनके बातें सुनकर तीनों बड़े चौंक गए। रमन्ना की बात भी सच होने पर तीनों बड़े बिना कुछ कहे उधर से चले गए। अगले दिन रमन्ना ने चारों भाइयों को बुलवाया। तुम चारों भाई अपने अपनों में ही बिना लड़े साथ रहो करके तुम्हारी पिताजी की इच्छा थी, इसीलिए इस बिल्ली का भी तुम चारों भाई एक समान बांटो करके तुम्हारे पिता ने। आखिर अब तो तुम लोग लड़ाइयाँ बंद करके मिलजुल कर व्यापार करके अच्छे अच्छे लाभ कमाओ और खुश रहो, बोलते हुए उनको समझाया। तब तीनों बड़ों को उनकी गलती का एहसास हुआ और तब से हमेशा मिलजुल कर व्यापार करके चारों भाई आगे बढ़े, अपने अपने परिवारों के साथ खुशी से जीने लगे।